ये है आवाज द वॉइस। अब्दुल हई खान से सुनिए खबरें 7 बजे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रूस के 2+2 मुजाकरात से कबल आज यहां रूस के वजीर दिफा सरगई शोइगो के साथ दोतरफा मीटिंग की। सिंह ने पीर को यहां सुषमा स्वराज भवन में रूसी वजीर दिफा का इस्तकबाल किया, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने दिफाई शोबे से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर इब्तदाई बातचीत की। रूस के वजीर दिफा हिंदुस्तान के साथ 2+2 वजारती मुजाकरात में शिरकत के लिए इतवार को यहाँ पहुँचे। दोतरफा मुलाकात के बाद दोनों रहनुमा 2+2 मुजाकरात में हिस्सा लेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रोन के बढ़ते हुए खतरे के दरमियान राहत की खबर आई है। डॉक्टर राकेश मिश्रा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर बराए सेलुलर और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साबिक सरबराह, कहते हैं कि कोरोना वैक्सीन नए ओमिक्रोन वेरिएंट पर भी कारगर है। उनका कहना है कि ये वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए ढाल का काम करेगी। डॉक्टर मिश्रा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के डायरेक्टर भी हैं। इन्फेक्शन की हल्की अलामत में तब्दील होने की एक अच्छी अलामत है। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि इस साल के आगाज़ में जब मुल्क को कोरोना की दूसरी लहर का सामना था, डेल्टा वेरिएंट जो सामने आया वो इंतहाई ख़तरनाक था। अब जनूबी अफ्रीका से ओमिक्रोन डेल्टा मुख्तलिफ किस्म से ज़्यादा मुतअद्दी है। ताहम ये एक राहत की बात है कि ये वायरस हल्की अलामत के साथ मुल्क के बड़े शहरों तक पहुँच जाएगा, जो एक बहुत अच्छी अलामत है। पाकिस्तान के सियालकोट में जुमे के रोज़ एक श्रीलंकाई शहरी पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम आयद करते हुए हुजूम के ज़रिए हमला करके उसको कत्ल किए जाने के मामले में शदीद रद्दअमल का इजहार करते हुए उलमाए देवबंद ने आला सतही जांच कराकर कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया है। दारुल उलूम ज़करिया देवबंद के मुहतमिम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शरीफ खान कासमी ने मज़कूरा वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि इंसानियत सोज वाक़यात दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, किसी भी मज़हब और फ़िरक़े के लोग उसको अंजाम दें, वो काबिल मज़म्मत और काबिल नफ़रत हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर सियालकोट में श्रीलंकाई शहरी के साथ होने वाला वाक़या इसलिए भी काबिल मज़म्मत है कि पाकिस्तान इस्लामी हुकूमत होने का दावा करता है और मजहब इस्लाम इंसान के ज़रिए इंसान के ऊपर जुल्म की कभी इजाज़त नहीं देता। म्यांमार की एक अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता जमहूरियत की हामी रहनुमा आंग सान सूची को 4 साल कैद की सज़ा सुनाई है। वो फ़ौज के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनान भड़काने और कोरोना कवानीन को तोड़ने का मुजरिम पाया गया है। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 की रात को फ़ौज ने सूची को बगावत में गिरफ्तार कर लिया था। फौजी रहनुमा जनरल मिन आंग होलिंग तब से मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। मुंबई में खेले गए दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 372 रनों से शिकस्त दे दी है। ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख में रनों के लिहाज से हिंदुस्तानी टीम की सबसे बड़ी जीत थी। हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड के सामने 540 रनों का हदफ रखा था, लेकिन किवी टीम सिर्फ 167 रन बना सकी। ये विराट कोहली के बतौर टेस्ट कप्तान 39वीं फतह थी। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया की ये मुसलसल चौथी जीत हिंदुस्तानी सरजमीन पर न्यूजीलैंड के खिलाफ गुज़श्ता 8 मैचों में टीम इंडिया की ये 7वीं जीत थी।